आप सर की विंडो को ना डबल क्लिक कर दो, 12 से कितना है सीसीएल, कितना है सर की विंडो को स्पष्ट आओ जी बच्चों शुरू करें आज की क्लास। एक बार बताएं ऑडियो वीडियो ओके है हमारा? सर एक बात बताइए, ये बच्चे आपकी क्लास में भी कैमरा बंद रखते हैं क्या सारे, या मेरे से ही इनकी नाराजगी है? स्टूडेंट का ऐसा ही है, मेरी क्लास में भी बंदे रखते हैं। अच्छा तो अच्छा ध्यान में आता है, नहीं तो फिर वो ऑलमोस्ट बंद ही रखते हैं क्लास में भी। अच्छा, एक्चुअली बच्चे हैं ना, इनको पता नहीं है कि टीचर के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है क्लास लेना। बहुत ज्यादा, कोई नहीं, अब करते हैं स्टार्ट आपकी क्लास का। ठीक है सर, ठीक। हां जी राधा कैसे हो? एक बार मुझे बताएं क्या मेरा वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहां से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। सर आपने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या? ये सर मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आप कर लीजिए स्टार्ट। ठीक है ठीक है, मेरे यहाँ से भी मैंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ा हैंग नहीं होना चाहिए ना। मैंने कर दिया इधर से और अब मैं यहाँ से। हाँ ओके सर। ठीक है बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। रितु कैमरा ऑन करो बेटा, जसवनी अमन अनुभव जल्दी से, बाकी बच्चे भी आए जल्दी से। सिलेबस वैसे ही पीछे है स्टैट्स का, जल्दी से आओ जी जल्दी से आओ। बच्चों को ये नहीं पता लग रहा सर स्टैट्स की क्लास है इकोनॉमिक्स की क्लास है। कहाँ हो व्यस्त बेटा? गुड आफ्टरनून राधा। राधा बाबू टेंशन नहीं लेनी है आपको, कह रहे थे ना मजा नहीं आया, पूरा मजा दिलाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा ये जो दिसंबर वाले बच्चे है ना उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अदरवाइज ये जो स्टैट्स कराना था दूसरे सर ने कराना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टैट्स कराऊंगा एकदम टू मच कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना, क्योंकि आपके पास टाइम है और कराऊंगा तो एकदम टू मच कराऊंगा, बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में तो आपको कहीं जरूरत आने भी नहीं दूंगा और स्टैट्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखो क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अब बाकी बच्चे आए तो क्लास स्टार्ट करें। ओजस्वनी अमन रितु अनुभव बाबू कुछ तो रिस्पॉन्स करो, वरना अकेले हम अकेले तुम वाला हिसाब हो जाएगा। रितु यस, ओजस्वनी कैमरा ऑन कर लो बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की, थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेगी मुझे क्लास। बताओ परमिशन है, बाकी बच्चे नहीं आएंगे क्या आज? एक बार बेटा ग्रुप में मैसेज डाल दो, मेरी तरफ से ऑलरेडी आधा घंटा क्लास लेट है, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, कहीं बच्चे कंफ्यूज रहे। चलो बाबू डाल दिया मैसेज, गुड मैंने भी डाल दिया है, एक दो बच्चे और ज्वाइन कर ले। अच्छा सतीश जी आ गए, क्योंकि बच्चों को बाद में ये ना लगे ना कि सर अकेले अकेले क्लास ले लेते हो। और दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया बाबू, हम तो उसी दिन होली दिवाली मनाएंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा, बाकी तो सब बेकार के दिन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि साहब ये सीए है, यहाँ पर आपके हर एक चीज का इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे पड़ता है। अब आप एक दिन दिवाली मनाओगे एक दिन घूमने जाओगे तो वापस स्टडी पर बैठते बैठते आपको काफी टाइम लग जाएगा, मतलब शेड्यूल खराब हो जाएगा जिसको आप कहते हो। नहीं सर घूमने नहीं जाएंगे, वेरी वेरी गुड, उसी दिन दिवाली मनाएंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा,
आपकी तरफ से पटाखे मैं फोड़ूंगा सर। दिवाली, हाँ दिवाली मनाएंगे, लेकिन हाँ कहीं मतलब कि ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आपको थकान हो जाए, आप मार्केट चले गए, मार्केट में तो बाबू ऑलरेडी इतनी भीड़ भाड़ है, ठीक है ना, वहां जाओगे और इरिटेट हो जाओगे। कुछ खाना पीना भी हो तो मम्मी या डैडी को बोल देना, वो आपके लिए घर पे ही ला देंगे, क्योंकि आप बाहर जाने का मतलब है आपको थकान होगी, फिर आप रेस्ट करोगे, फिर आपका टाइम टेबल खराब होता है। चलो बाबू जितने बच्चे आने थे आ गए, मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ अपनी, ठीक है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। लेक्चर नंबर 8 है, जो कि बिल्कुल लास्ट क्लास है जो मैं आज की कहूंगा स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिकल, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। थ्योरी हमने देख ली थी, थ्योरी देख ली थी, थ्योरी देख ली थी। प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा चल रहा है, जो कि मैं कराने वाला हूँ ICAI। सर आवाज थी बस में भी खड़ा होना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू। तो बाबू मैं यहीं पर यही चीज कह रहा हूँ कि आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, और आपका ICAI का मॉड्यूल तो आपके लिए गीता कह लो या बाइबल कह लो या कुरान कह लो, उससे ऊपर तो साहब कोई चीज है ही नहीं। तो उसका तो हमें सारा ही ध्यान में रखना है कि क्या क्या करना है। तो चलो मैं एक्सरसाइज B के क्वेश्चन कराता हूँ, आज इसकी हमारी लास्ट क्लास है, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, ठीक है जी। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर यह क्वेश्चन करेंगे। कहता है आउट ऑफ 1000 पर्सन, जिसमें से 25% इंडस्ट्रियल एरिया के थे और बाकी रेस्ट किसके थे, एग्रीकल्चर के। सर इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा, मैं चार्ट यहाँ पर सामने से बनाता हुआ चलता हूँ। 1000 पर्सन है, 1000 में से कहता है इंडस्ट्रियल के कितने हैं, 25%, यानी कि 250। तो इसका मतलब 750 आपके कौन से बच्चे हो गए, ये जो आपके हो गए एग्रीकल्चर के, तो इनको नाम भी दे दें सर। इसको मैं मान लेता हूँ ए, और इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, जैसा हम हमेशा करते थे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डेटा प्रेजेंट कर दिया। फिर कह रहा है 300 पर्सन इंजॉय वर्ल्ड कप मैच, 300 बंदे इंजॉय करते हैं आपका क्या वर्ल्ड कप मैच। तो चलिए मैं दूसरा भी बनाता हूँ छोटा करके। 1000 पर्सन यहाँ है, इनमें से वर्ल्ड कप कितने वॉच करते हैं, 300 वर्ल्ड कप। अगर मैं नॉन वॉच की बात करूं वर्ल्ड कप, तो कितने हो जाएंगे, 700। इनको भी हम नाम दे दें क्या, हाँ सर इनको भी नाम दीजिए। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है B और इसका नाम है बीटा। और भी कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, हाँ कहता TV, सॉरी ये पॉइंट आ गया, कह रहा 30% ऑफ पीपल नॉट वॉचिंग मैच, जो कि रिलेट करते थे इंडस्ट्रियल वर्कर से, ठीक है। हालांकि आपने जवाब दे दिया, बट फिर भी मैं तो कराऊंगा क्वेश्चन। कह रहा है 30%, 30% किसका, जो कि नहीं देखते, यानी कि इनका 30%। सर दूसरे कलर से लिखो, ओहो कितना आएगा सर, यहाँ 700 आएगा, 700 का 30%, तो ये आ गया आपका 210। बस आपको टेबल बनाने के लिए चार फिगर चाहिए बस, बाकी फिगर तो आप अपने आप निकाल लोगे। चलो मैं आपको टेबल बनाता हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है आज कि कोई भी मुझे सुन नहीं रहा आज, बट कोई बात नहीं, क्या करें बच्चे व्यस्त हैं दिवाली में, काश हम भी व्यस्त हो सकते, बट हमें तो आपके सिलेबस की चिंता है। बट आप लोग पूरा कॉर्पोरेट, सर ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो, ओके जज्बाती हो गए आप तो। चलो जी चलो, मैं सबसे पहले टेबल के लिए मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको चार फिगर चाहिए होती है टेबल को कंप्लीट करने के लिए, बाकी 9 फिगर आप खुद से निकालोगे। देख करने का तरीका, ए सर यहाँ पर भी है, ए के साथ क्या था, ए का उल्टा अल्फा, सर यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ क्या था सर B, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा B, सर यहाँ क्या था बीटा, सर यहाँ भी क्या आ जाएगा बीटा, ठीक है। अब चीजें पुट करते चलते हैं धीरे धीरे। ए मैंने किसको माना था सर, 250, ए की जगह ए रख दीजिए सर, दूसरे कलर से लिखिए, ये मैंने रखा 250। फिर उसके बाद अल्फा किसको माना था सर, आपने माना था 750 को, तो मैंने 750 रख दिया। यहाँ में हम करते हैं टोटल, तो टोटल हमारा है 1000। उसके बाद बी मैंने किसको माना था, वॉचिंग B, तो B मेरा आ गया ये 300, ठीक है जी। और
नॉट वॉचिंग वर्ल्ड कप, क्या माना था मैंने, बीटा, तो ये आ गया मेरा 210। बस बाबू बस हो गया काम। यहां पर देखो अब आपको टेबल मैच करनी है, ये लो बताओ जी कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा जी 40। अगर ये 300 है तो यहां पर कितना आएगा, बीच में कितना आएगा सर, ये आएगा 260। अंताक्षरी खेल रहे सर, यहाँ 750 है तो यहाँ कितना आएगा, 750 माइनस 260। लो जी लो, ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे जी, आप क्या करोगे, मैं कहता हूं मैं क्वेश्चन देखूंगा, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर को मैंने क्या माना था सर, आपने मांगा था अल्फा, और इंजॉय वर्ल्ड कप टीवी, और जो इंजॉय करते हैं वर्ल्ड कप टीवी उनको आपने क्या माना था, उसको मैंने माना था बी। तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा और बी। देखो अल्फा और बी कहां पर लाइक करेंगे सर, यहाँ ये रहा अल्फा और ये रहा बी, तो आपका आंसर कितना हो गया जी, 260। सर ये तो आपने नेक्स्ट क्लास में भी करा दिया था, मैंने कहा ओके करा दिया था तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गई। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों ने कैमरा ऑन कर लिया, अब थोड़े से बच्चे, थोड़ा सा नया क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर, आंसर हालांकि बच्चों ने दे दिया है बी, बट कोई बात नहीं बाबू मैं तो कराऊंगा इसको। कहता है सिंपल स्टडी ऑफ पीपल एन एरिया, कह रहा है एक एरिया की स्टडी की गई जिसमें 40% वुमन है, 40% वुमन है इसका मतलब 60% मैन होंगे। सर पहले साथ के साथ ना आप टेबल बनाते चलो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 2। सर सबसे पहले तो मुझे बताओ मैन कितने, टोटल पर्सन कितने होंगे सर, 100। अगर मेल 60 है, हालांकि मेरे को मेल के बारे में नहीं बताया, मुझे फीमेल के बारे में बताया है, मेल का उल्टा होता है फीमेल, जो कह रहा 40% है, 40% इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है 60% हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा। इतनी बात समझ आई क्या, बोलो जी बोलो, इतनी बात समझ, हाँ सर इतनी बात समझ आती है। चलो मैं अगली लाइन पढ़ता हूँ, कहता है एंड परसेंटेज ऑफ ड्रिंकर्स, कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं, 40, मतलब कॉफी पीने वाले लोग 100 में से, 100 में से सर, 100 में से कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, बस आपको इस तरह से चार्ट फॉलो करना, कॉफी पीने वाले कितने हैं जी। ओहो सर ये है 45, 45 45, तो सर नॉन कॉफी पीने वाले लोग कितने होंगे सर, 55। इसमें तो सर यहां तक तो हमें भी क्लियर है सर, आगे बताओ। मैंने कहा परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर, भाई आपने मेल किसको माना था सर, हमने मेल माना था ए को। कहता है इसमें से कितने हैं मेल, कितने हैं, कहता है 20, जो क्या करते हैं कॉफी ड्रिंक करते कॉफी हैं। ड्रिंक तो यानी कि आपको दो चीजें बता दी, एक तो ए बता दिया और इसको हमने क्या माना था बी, तो यानी आपको ए और बी दे दिया, क्या दे दिया ए और बी, कितना 20। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ, मुझे दो चीजें दे दी सर, आप फेस टू फेस कब आओगे बाबू, जल्दी ही आएंगे आपसे, जल्दी ही मुलाकात होगी, डोंट टेक अ टेंशन। देखो जी देखो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मैं अपनी तरफ से बाबू पूरा कोशिश करूंगा आपको कहीं कंफ्यूज नहीं आने की, पर ध्यान से सुनने वाली बात है। कहता है हमको परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स 20, कह रहा है मेल कौन थे सर, आपने बोला था ए, और मैंने कहा कॉफी ड्रिंकर कौन था सर, आपने बोला था बी, तो उनमें ये दोनों को मिलाकर जिनमें दोनों क्वालिटी थी ए और बी, ये आपको दे दिया 20। अब आपके पास फिगर कितनी आ गई सर, ये फिगर आ गई आपके पास टोटल सारी, ठीक है। तब आपने क्या करना है सर, आपने टेबल ड्रॉ करनी है, कीजिए जी टेबल ड्रॉ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, टेबल ड्रॉ कर दी हमने, सबको पहले बार बार लिखना है। लो जी लो, ए सर ए, उसके बाद इसके नीचे अल्फा सर अल्फा सर, यहाँ बी सर, यहाँ पर भी बी सर, यहाँ पर बीटा, नीचे भी बीटा, बस पुट करते जाओ। ए मैंने कितना माना था सर, ए माना था 60, तो ओहो तो यहाँ मैंने लिखा दूसरे कलर से 60, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना आ जाएगा, इनका टोटल तो आपको पता है 100 ही आएगा। वर्ल्ड कप देखने वाले को आपने बोला था 45 बी,
ठीक है जी। हाँ सर, वर्ल्ड कप देखने वाले को भी। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा। अच्छा ये नॉन वर्ल्ड कप वाले आपने वैसे निकाल लोगे 50, क्योंकि यहाँ पर अगर फिगर नहीं है तो। और क्या चाहिए सर? और हमें चाहिए, हमें जो दे रखा था मेन 20, ए और बी। दूसरे कलर से लिखता हूँ, ए और बी, ए और बी इसके अंदर आएगा, बी और ए। कितना सर? 20। बस आप क्या कर रहे हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स कर रहे हैं। बताओ जी कितना आएगा 20? 60 में से अगर 20 माइनस करें, 40, 40, 40, 40, 40। अच्छा 40 आ गया सर, यहाँ पे 49 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप हर एंगल से मिला के देख लेना, आपका आंसर सही है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में सर? आपसे पूछा व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ फीमेल, फीमेल को आपने क्या माना था सर? बी। और नॉन कॉम्पिटिव को क्या माना था? बीटा। बोलो जी बोलो, दोनों बात सही है। फीमेल मेरी कौन थी? फीमेल थी मेरी बी, मैंने माना था। और नॉन कॉपी वालों को मैंने माना था बीटा। तो आपसे बी और बीटा पूछ रहा है सर। बी तो आपका, सॉरी बी तो आपका ये रहा, और बीटा कहाँ आएगा बताओ जी? बी और बीटा सर, बी ये रहा, बीटा ये रहा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं सर, गड़बड़ तो नहीं हुई जी है। सर, तो ये मेरा बी, सॉरी बी ये रहा मेरा, ये तो मेरा बीटा है, मैंने गल। और ये आ गया जी आपका, ठीक है जी। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? ये तो अल्फा दिखा रहा है यहाँ पर, कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? एक मिनट, मेरे को जरा चार्ट देखना पड़ेगा, मैंने क्या माना था। अच्छा, चार्ट में बाबू मैंने ये नॉन ड्रिंकर आपसे पूछा पहली चीज, तो ये तो मेरा कौन हो गया? बीटा, कंफर्म है जी। और इसको मैंने माना था अल्फा, सॉरी बाबू सॉरी, फीमेल को मैंने अल्फा माना हुआ था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैंने बी माना था। तो ये रहा मेरा अल्फा, ये रहा मेरा अल्फा, और ये रहा मेरा अल्फा, मेरा ये आ गया, बीटा मेरा ये आ गया। तो आंसर मेरा क्या आएगा? 15। बोलो कंफ्यूजन हो गई क्या? जन्नत नो यस कर रहे हो? हाँ कर रहे हो। मैं पूछा कंफ्यूज होंगे तो आप यस करो नो, सर, नहीं हुई कंसेशन। कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, इसके बेसिस पे मैं आपको अभी दो क्वेश्चन और कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ। भाई साहब आप शुगर बना रहे हो, शुगर का मतलब कौन सी शुगर? आप शक्कर बना रहे हो, शक्कर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल, लेबर और ये सब चीजें लगती हैं जो इस इसी यूनिट में दे रखी है। अगर मैं कहूं 12, 20, 350 और सॉरी 35, 23, और कह रहा है डिफरेंस बता दो, इसका छोड़ो। और आपको एंगल पूछा हुआ है, देखो आपका ये पाई चार्ट आपने देखा है, जैसे मैंने बताया था पिज्जा, कौन सी आइटम कितनी है? 12, 20, 35, 23। पिज्जा तो देखा होगा ना। अच्छा ये जो ना एंगल बना रहा है आपको, एंगल बनाते हैं ना एंगल, छोड़ किसी, कौन सा डिग्री कौन सा डिग्री कौन सा डिग्री, तो ये एंगल बता रहे हैं सर। ये अच्छा कर लिया था, कोई बात नहीं दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है। ये वाला जो क्वेश्चन है एंगल बता रहा है, मुझे बताओ इस पूरे एंगल का टोटल कितना होगा? 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले। यस सर, 360। 360 होगा। अच्छा अब आपका इसका टोटल कितना है सर? 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23। सर इसका टोटल आ रहा है 90। 90। 90 अगर मान लो 90 का पूरे का 360 दे रखा, तो इसका 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 नहीं निकाल पाओगे आप लोग। कैसे निकालेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई, 360 को 12 से गुणा करो, 360 गुणा 12 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है जी, 48 आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये 80 आ जाएगा, फिर ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये 140 आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो उसको 92 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या है? कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर लार्जर और स्मॉल। लार्जर कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? लार्ज, लार्ज तो सर 148 दिख रहा है, और स्मॉलर कौन सा दिख रहा है? 948। 48 सबसे छोटा यही है ना, तो आपसे इनका डिफरेंस पूछा है, कितने डिफरेंस का एंगल बनेगा? 140 माइनस 48, देखते हैं 92। कितना। 92, 92, तो ये आपका आंसर हो गया 92। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछो बाबू, एक बार हम दोबारा भी कर सर लेंगे, कोई 140 में से।
अड़तालीस माइनस करेंगे तो 100, मेरा क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा 140 है ये, 10 में से 8 गए 2 और 1.5 में से 4 गए 9, माइनस 140 माइनस, ठीक है जी ठीक आ गया 92 ही आ रहा है। बताओ जी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है तो बताओ। ओके राधा, यह जन्नत आप भी बोलो बाबू। सर यहाँ पे आपने क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? अच्छा हाँ, मैं बाबू दोबारा से इसको अच्छा अच्छा ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली ना इस पर मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता इस पैनल पे ना बाबू। मैंने क्या किया था, मुझे जो एंगल दे रखे थे 12 20 35 23, 12 20 35 23, सबसे पहले तो मैंने इनका टोटल कर दिया जो आ गया मेरा 90। और मैंने आपको बोला था ये क्या होता, पाई चार्ट होता, इसका कितने एंगल आएगा 360। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने कहा बाबू 90 का एंगल है मेरा 360, तो बाबू 12 का बताओ कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 48। ऐसे ही मैंने क्या किया, 90 का एंगल मेरा 360, तो सर 20 का बताओ कितना होगा, तो बाबू ये होगा 180, 180 सॉरी खाली 80 होगा। ऐसे ही मैंने निकाला 90 का एंगल है 360, तो मेरा बताओ 35 का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो कैसे करोगे, 35 गुना 360 डिवाइड बाय, हाँ आ गया सर। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने क्या किया, लार्जर कौन सा है, लार्जर है ये, और स्मॉलर कौन सा है, 140 कितने डिग्री का आएगा, 92 डिग्री का। मुझे कंफर्ट फील नहीं होता इस पे पैनल पे, वैसे थ्योरी खत्म हो जाए मैं तो दोबारा अपना विजुलाइजर पे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये हमने नेक्स्ट क्लास में कर लिया था 4 और 5। सर फिर कौन सा रह गया, 6 भी कर लिया था, 7 भी कर लिया था। अब आ जाओ बाबू सी पार्ट पर, सी पार्ट का। हाँ आज का जो हमारा, हालांकि इसका एक और क्वेश्चन है, इसमें 3 एट्रीब्यूट दे रखे, मैं कराने वाला हूँ ये वाला क्वेश्चन। पहले चलो रीड करते हैं। कहते हैं इना स्टडी, कह रहे हैं स्टडी की गई जिसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट थे जो कॉमर्स और साइंस डिपार्टमेंट से थे। कह रहा 5 साल का डेटा है। सबसे पहले तो बाबू उसको ठीक कर लो, पहले तो ये डेटा ना आपको 2 उसमें दे रखा है, ऐसे है ये डेटा, ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा होगा ये, क्योंकि ये ना टाइप करने वाले आधी गड़बड़ तो वो कर देते हैं। बाबू ये डेटा दे रखा है उसमें 1995 का अलग, सन 2002 का अलग, और फिर ये मैंने बीच में डाल दिया क्योंकि ये वाली पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है। ये वाली जो पोर्शन है ये इसमें आ रहा है 3000, ये जो 3000 है ये इस वाले में आ रहा है, ठीक है। कह रहा ये दे रखे 95 में 70% मेल स्टूडेंट थे, 75% कॉमर्स स्टूडेंट थे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20% फीमेल स्टूडेंट रीड करते हैं साइंस। ओहो कोई बात नहीं, इसको टेबल के फॉर्म में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बड़ा कर दो सर, ये लो मैंने बड़ा कर दिया। सबसे पहले तो आपके पास स्टूडेंट कितने हैं बाबू, स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 3000, मैंने लिखा 3000, लो जी मैंने लिखा सर 3000। ओहो आराम आराम से मैंने लिखा 3000। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे मैं करता जाऊंगा। फिर मुझे बोला, कहता है ये मैं पहले डाल दूं 1995 का बना रहा हूं। फिर ये कह रहा है 70% मेल स्टूडेंट है, मेल मेल समझते हो ना, 3000 का 70% मेल, मेल का उल्टा होता है फीमेल, अपोजिट। इसको मैं डिनोट करूंगा ए से और इसको डिनोट करूंगा अल्फा से। 70% बोल रहा है, 3000 का 70%, बताओ जी कितना। सर ये आ गया 2100, कैसे आया सर 3000 का 70%, बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत? तो सर ये ऑटोमेटिकली 900 आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा ये 92 वाला कर लिया, चलिए गुड। उसके बाद कह रहा है 65% बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स में, कोई बात नहीं 3000 का मैंने फिर दूसरी क्वालिटी निकाली। एक तो कॉमर्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ सी से और साइंस को मैं डिनोट कर रहा हूँ उससे। कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा बी, क्या बोलूंगा बी, सर दूसरे कलर से लिखो ना, और इसको मैं बोलूंगा बीटा। अब कह रहा कितने में, कहता जी 65% रीड करते हैं कॉमर्स में, 65% 3000 का
65% कितना आएगा जी, 1950 आ गया। कैसे निकाला सर, 3000 का 65%। कोई दिक्कत है तो बताओ। और आपको 3000 का माइनस 1950, तो इसका मतलब ये आपके साइंस वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। बोलो जी यहां तक टेबल में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने डेटा रखा है पढ़ के बस, और कुछ नहीं किया। बोलो जी बोलो। सतीश जी यस। बाकी बच्चे भी बोलो। रितु, अमन, अली, राधा, बाबू राम, भरोसे क्लास नहीं चलनी चाहिए, बस आ जा जाओ, बर्दाश्त कर लो थ्योरी, हालांकि क्वेश्चन है, बस आ जा जाओ बर्दाश्त कर लो, जन्नत यस। उसके बाद विजुलाइजर पे ही पढ़ाऊंगा, डोंट टेक टेंशन। सर आगे क्या बोला है, दो डेटा रख दिया, कहता 20% फीमेल। पहले तो मैंने फीमेल को क्या माना था बताना जरा। फीमेल को सर आपने माना था अल्फा, अल्फा माना था ना, तो मैं यहां लिख देता हूं अल्फा। कह रहा 20% फीमेल स्टूडेंट रीड साइंस साइड। क्या अच्छा, साइंस साइड को मैंने क्या माना था सर, आपने माना था इसको बीटा। कितने दे रखे सर, ये दे रखा 20%। 20% किसका, फीमेल का। फीमेल मेरी कौन सी थी सर, फीमेल मेरी 900 थी, 900 का 20% कितना निकलेगा, 900 का 20% ये आ गया 180। लो जी डेटा आपका कंप्लीट हो गया, बनाए टेबल। लो जी टेबल बनाओ। लो जी लो टेबल बनाओ, टेबल बनाओ। ए ए अल्फा अल्फा, बी बी, बीटा बीटा, बस बाबू पुट करते चले जाओ बस। लो जी 2100 पे आपने ए, 2100 नहीं है सर, 2100 पर्सन है वो। इन तीनों का टोटल तो आपको पता है 3000 ही आएगा, ठीक है जी। टेबल बना रहे, उसके बाद क्या रखे जी, बी की जगह बी को रख दो, बी ये मेरा ए रहा 1950, तो बीटा कितना आ गया 1050। और आपको अल्फा और बीटा भी दे रखा, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, मतलब इसको मैं तो अलग से लिखूंगा 180। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक तो बताओ। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, नो सर। ओके बस बाबू पुट करते चले जाओ। 1050 में से मैंने माइनस की क्या 180, तो ये आएगा 870। अल्फा के पास आएगा 720, इधर अल्फा के पास आएगा 720। अच्छा 720 आंसर बता रहे हो, कोई बात नहीं, मैं पहले धीरे धीरे करता हूँ। देखो ये 720 बाबू, इससे मैंने ये निकाल लिया, अब मैं ये निकालने वाला हूँ, देखते हैं 720 आता है। 720 1950 माइनस 1230, हाँ जी बिल्कुल 720 आ रहा है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन की बात तो बाद में है। कहता है आफ्टर कंबाइनिंग ऑफ 1995 और 2000, कह रहा कंबाइन करने के बाद बताएंगे, अभी क्या पूछा है। एक टेबल कंप्लीट हो गई, पहले तो ये बताओ, अब दूसरी टेबल पे आओ 2000 वाली पे। ये एक क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये दो क्वेश्चन है सर। अब 2000 की बात कर लेते हैं, 2000 में आपको क्या दे रखा सर, 2000 में टोटल स्टूडेंट है 3600 सर, 3600 स्टूडेंट लिखो पहले, 3600 स्टूडेंट आ गए, 3600 स्टूडेंट आ गए। अब पढ़ते जाओ करते जाओ, कह रहा 75% मेल है जी, 75% मेल मतलब ए, 3600 का 75%, ये बाबू निकल के आया 2700। सर कैसे निकाला, 3600 का 75%, इसका मतलब बाकी, ठीक है जी। आगे पढ़ो जी आगे पढ़ो। कहता है साइंस पढ़ते हैं 40%, 3600 का, इसको मैंने नाम नाम नहीं दिया, ये मेरी फीमेल हो गई और ये मेरा क्या हो गया अल्फा। चलो जी दूसरी क्वालिटी, दूसरी क्वालिटी में क्या था हमारा, कॉमर्स और साइंस, ये तो आ गया आपका कॉमर्स और ये आ गया आपका साइंस, इसको मैं मान लू बी,
और इसको मानूंगा मैं बीटा, ठीक है जी। अब कितना कह रहा, 40% कह रहा है शायद, 40% साइंस, मतलब ये बता रहा है 3600 का 40% हो गया साइंस, जो आपका हो गया ये 144 माइनस 3600, तो आपको ये भी दे दिया 2110। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। टेबल बन गई, मतलब डेटा रख दिया, अब आगे पढ़ता हूँ। कहता है 50%, 50% मेल, मेल की बात कर रहा है जी, मेल जो है 50% मेल। मेल मैंने किसको माना था सर? मेल में आपने माना था ए को। कह रहा है मेल का 50% आएगा 1350, जो कि मैंने माना था ए। वो क्या करता है मेल का, वो रीड करते हैं कॉमर्स में, कॉमर्स में रीड करते हैं मतलब बी, ये बी हो गया ना, तो आपको ए और बी दे दिया 1250। बोलो जी, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। बोलो बोलो बाबू, क्वेश्चन थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं किसी बच्चे। अच्छा यस सर, सारी दुनिया दिवाली मना रही है और हम बैठ के पढ़ रहे हैं। बाबू हम भी दिवाली मनाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे छोटा करो सर, क्या कर रहे हो। हम उस दिन दिवाली मनाएंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। आधे बच्चों की तो हालत खराब हो गई होगी मई तक, और ज्यादा खराब हो जाएगी, बट यही तो पेशेंस है, यही तो बात है। चलो जी, सर ए, सर ए, सर अल्फा, सर अल्फा, सर बी, सर बी, सर बीटा, सर बीटा, और यहाँ तो टोटल आता ही है। रखो जी रखो, मैं इसको और छोटा करूँ क्या? ये लो सर, दिखेगा नहीं फिर। छत्तीस ये सौ आपका टोटल कितना दिख रहा है ना, 2700, 900, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 3000। दिख रहा है ना बाबू या नहीं दिख रहा? एक बार टेबल बना लूँ फिर मैं आपको पुट करता हूँ। 3000 होगा, 3600 होगा, 3600 होगा बाबू, बाय मिस्टेक 3600। 3600 1350 आपको दे रखा है, और बी आपको दे रखा है 2160, और ये आपको क्या दे रखा है? बीटा। बस मैं बड़ा कर देता हूँ अब बाबू, मैंने कुछ नहीं किया, आपसे डेटा पुट किया है। ये लो डेटा पुट कर दिया, इतना तो दिख ही रहा होगा। बस अब ये निकालो, 2700, 1350। बच्चे कह रहे हैं सर क्लास स्लो चल रही है, मैंने कहा क्वेश्चन स्लो वाला ही है भैया, इधर उधर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें से माइनस करो, 2160 माइनस 1350, 810 आ गया। ये निकाल लो जी, 900 माइनस 810, ये आ गया 90। ठीक है जी, दोनों टेबल आपके पास आ गई। हाँ सर, कह रहा है अब क्या कहता है, कहता है आफ्टर कंबाइनिंग ऑफ टेबल। अब कह रहा है कंबाइंड कर दो दोनों टेबलों को। मैंने कहा वो कैसे करते हैं? मैंने कहा देखो, कह रहा है ये दोनों टेबल है ना, एक तो ये रही सन 2000 की, 1995 की, और ये सन 2000 की ये रही, ठीक है। कह रहा है इनकी जगह ना एक नई टेबल बना लो। चलो मैं नई टेबल बनाता हूँ। कैसे बनेगी टेबल? कुछ मत करो, ए में ए डाल दो, बी में बी डाल दो, दोनों का जोड़ लगा के। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। सर ए अल्फा अल्फा, बी बी, बीटा और बीटा, ठीक है जी। अब ध्यान से बाबू, ध्यान से, मैं पहले वाली टेबल पे गया रेड कलर से, 1230 है इसमें, बोलो बॉक्स में। सर यस 1230, और इसी बॉक्स में दूसरी टेबल का 1350। 1230 और 1350, 1230, 1230 प्लस 1350, दोनों को टोटल करोगे तो ये आएगा बाबू 2580। कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो। बोलो ठीक है, दोनों टेबलों को मर्ज कर रहा हूं बस, कोई दिक्कत यहां तक? मुझे ये वाली टेबल नहीं समझ में आई जो अभी आपने बनाई। बाबू वही बनाई है, बस पुट किया है मैंने, ये बस फिगर पुट की है, वैसे ही बनाई है जैसे 95 की बनाई है ना। डेटा देखो मेरे पास ये रहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3600 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से मेल कितने हैं? 2700, तो इसका मतलब फीमेल कितने हो गए?
सर 900 माइनस करने का, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया अल्फा, फिर 3600 में से कह रहा कॉमर्स के कितने, ये क्वेश्चन में डेटा दे रखा है 160, तो 1440 कौन सा हो जाएगा बीटा। फिर मुझे तीसरी बात बोली कौन सी वाली बात, 50% स्टूडेंट मेल है, मेल को मैंने माना था ए, तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर ए। फिर आगे क्या कह रहा, वो बिलोंग करते हैं किससे, रीड करते हैं कॉमर्स से, कॉमर्स मैंने किसको माना था सर, कॉमर्स मैंने माना था बी, तो ए और बी मिलाकर 50% दे रखा कितना 1350। उसके बाद बाबू मैंने बस डेटा पुटी किया है बस, और कुछ नहीं किया, बस ये मैंने बॉक्स लगाने का मतलब है निकाला है, ठीक है ना। बस निकालने के बाद अब मैंने क्या किया, फिर ये एक टेबल आ गई 1230 ये हो गया ये में, और 1350 ये हो गया, मैं दोनों टेबलों को कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरा ये आ गया दोनों का टोटल इतना। अब देखो दूसरे यही टेबल पूछना था लिखा बस। हूँ, आप देखो ये वाला मैंने 870 ले रहा हूँ ब्लैक कलर से 870, दूसरे वाले सर दूसरे कलर से ये लो 720 अल्फा और बी, अल्फा और बी 720 और 810, 720 और 810 1530 मैंने, एक सौ अस्सी ठीक है, ये कितना हो गया 90, 180 प्लस 90 270 वेरी वेरी गुड 270 ये आ गया, ठीक है ना। अब ये कंबाइन करने का मैं दोबारा क्वेश्चन के पास गया, मैंने कहा जी भाई साहब बता दो क्या कर रहे हैं, कहता है आफ्टर कंबाइनिंग 1995 2000 हमने कंबाइन कर दी, कहता है इफ एक्स, कह रहा किसी को एक्स मानो और रेशियो बना दो, क्या मतलब एक्स इज इक्वल टू मेरा होगा फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट को पहले तो फीमेल कौन थी मेरी, फीमेल किसको माना था टेबल में, मैं गया फीमेल मैंने माना था अल्फा इसको को। अल्फा को, तो कह रहा अल्फा ले लो एक्स इजिकल टू अल्फा, और आगे पढ़ते हैं आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन कौन सा था, मैं तो क्वेश्चन नहीं भूल गया। अच्छा ये रहा, वो कहता है कि जी स्टूडेंट फीमेल जो साइंस साइड से बिलोंग करते थे, साइंस साइड को मैंने क्या माना था, साइंस साइड को बताना एक बार जरा, साइंस साइड को बेटा मैंने बेटा बीटा, बीटा ही माना था ना, बी माना था, साइंस बेटा माना था, कॉमर्स का साइड को माना मैंने बीटा माना था, ठीक है बीटा माना था जी हाँ बिल्कुल बीटा माना था, तो मैंने बीटा भी रख दिया बीटा, ठीक है जी। अब ये कह रहा है अल्फा और बीटा की वैल्यू मुमको जरा बताओ, अल्फा और बीटा कहाँ आ रहा है जी, कहाँ आ रहा है, अल्फा तो ये आ गया, अल्फा तो ये आ गया और बीटा ये आ गया, यानी कि 270 की बात कर रहा है, 270 मैंने रख दिया एज इट इज, 270 ही आएगा ना। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, फिर गड़बड़ सी मल्टीप्लाई नहीं, किसे करेंगे अल्फा बीटा। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बाबू, या इसकी वो दे रखी है वैल्यू बाबू, ये इधर ना अच्छा थोड़ा सा अच्छा एक मिनट में दोबारा से पढ़ता हूँ क्या कहना चाहता है, कहता है फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, फीमेल जो बिलोंग करती थी साइंस से, साइंस साइड से ही फीमेल बिलोंग करती थी, रुको मैं जरा डेटा देख लू, मैंने अल्फा तो आपने ठीक बताया कि मेरी फीमेल है, लेकिन साइंस साइड वाली कौन सी थी, साइंस साइड वाली, साइंस नहीं लिखा हुआ सर कॉमर्स लिखा हुआ है, सॉरी बेटा सॉरी कॉमर्स लिखा हुआ है, कॉमर्स ये लिखा हुआ है कॉमर्स, फीमेल कॉमर्स, फीमेल तो आपने बता दिया अल्फा और कॉमर्स आपने बताया बी, कॉमर्स बी है ना, कैसे हाँ सर बी है, था देखो ये बाबू इधर बी आएगा, तो अल्फा और बीटा को मैं लूंगा क्या, ये आ जाएगा, ये आ गया मेरा अल्फा और बीटा कितना, अल्फा और मेरा बी 37 1530। फिर आपसे दूसरी लाइन में क्या पूछ रहा है, दूसरी लाइन में ये तो एक फीमेल को स्टूडेंट होगी, कह रहा है स्टूडेंट ऑफ फीमेल, फीमेल स्टूडेंट जो किससे बिलोंग करती है साइंस से, अब फीमेल आपने बताया फीमेल तो हमारा वही है अल्फा, और साइंस मेरी कितनी थी 200
70, मतलब यहां पर क्या आएगा मेरा बीटा। रुको मैं कोशिश करता हूँ, चीजें कंफ्यूज हो। पहले तो बताओ साइंस साइड स्टूडेंट वाले कौन से थे? सर अल्फा वाले थे, ठीक है। क्या सर इतना सर दर्द कर दिया बाबू, क्या करूं लेवल ही यही है। पर ऐसा क्वेश्चन डाल रखा बिना बात के, सर पका रखा बच्चों का। और मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको छोड़ने में कोई दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ही इतना लग रहा है, ये बाकी के क्वेश्चन भी जो आसान होंगे ना उनको भी ले डूबेंगे। बट मेरा काम है आपको कराना। अब कोई आप में से बच्चा 100 नंबर वाला भी होगा तो उसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। करा साइंस स्टूडेंट जो फीमेल भी है, फीमेल आपने बोला था अल्फा, और साइंस साइड से जो बिलोंग करेगा, साइंस साइड को मैंने क्या माना था सर? साइंस साइड को आपने माना था तो बीटा। बेटा था बीटा बस यही लिख रहे हैं, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा किस में बिलोंग कर रहा है? अल्फा आ गया ये और बीटा आ गया ये, तो 270। देखो कैसे कैसे पूछ रहा है। एक तो इक्वेशन बन गई, एक्स इज इक्वल टू बन गया, ये कितना आएगा 270। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भैया, आगे देखो। आगे कह रहा वाई 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 रेशो, कह रहा मेल और कॉमर्स का कॉम्बिनेशन बना दो। मेल किसको माना था आपने? ए को। वाई डिनोट करता है सर, दूसरे क्लास से लिखो, वाई डिनोट करता है, आपने मेल माना था ए को। और कॉमर्स कौन से वाले बच्चे? कॉमर्स, कॉमर्स किसको बी माना था? बी 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 हाँ बच्चे ने बता दिया बी। तो ये आपसे कह रहा बी, ठीक है। इसके अपॉन में क्या रखना है? अपॉन में रखना है मेल और साइंस। मेल और साइंस, मेल आपने बाबू माना था ए और साइंस क्या माना था? बेटा बेटा बीटा। बस बाबू, बस बस बाबू हो गया। अब ए और बी की जगह रख दो, ए और बी तो मेरा ये आ गया 2580, ठीक है। और ए बी, ए बी ए बी ए सॉरी, ए बाईस और बीटा सौ बीस 2220। वेरी वेरी गुड, 2220। अब इसको बाबू मैं कर रहा हूँ, जरा टोटल कर रहा हूँ, 1530 डिवाइडेड बाय 270। तो एक का तो आ गया ये 5666 पॉइंट आ रहा है। और इसको सॉल्व करूं 25 80 डिवाइडेड बाय 22 22 22। कोई बात नहीं, हम दोबारा भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा बता दो कौन सा किसके इक्वल है, बता दो कौन सा किसके इक्वल है। कह रहा दोनों एक्स और वाई इक्वल है। देखो नालायक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, या एक्स बड़ा है वाई छोटा है, या वाई बड़ा है मतलब एक्स छोटा है वाई बड़ा है, या ये, हालांकि ये और ये एक्स तो एक बड़ा है क्योंकि एक्स बड़ा है। कैसे पता चला सर एक्स फाइव बड़ा है पॉइंट ये? सिक्स हाँ हाँ तो आंसर क्या होगा, इधर की तरफ मुंह खुल जाएगा, इसका एक्स आंसर क्या हो गया? ये हो गया बी, ग्रेटर देन वाई नो ठीक है जी। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? सर अब बाबू एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर टू। ये वाला क्वेश्चन तीन एट्रीब्यूट वाला है, कितना? तीन एट्रीब्यूट वाला। तो कराने को तो मैं करा दूंगा, लेकिन सर बहुत ज्यादा पंगेबाजी है, तो ये आप इसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, आप इसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या सर एग्जाम में आते हैं? नहीं, अगर आ भी जाए सर, आपको ऐसे कैसे बोलो, आ भी जाए तो आपको लग रहा है बाबू आपके पास इतना टाइम होगा, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आपका इतना टाइम होगा आप ये करोगे। और अगर आ भी गया ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम खुशी खुशी 1 नंबर छोड़ने को तैयार है। हम कहीं और मेहनत कर लेंगे, जो चीज इजी होगी वहां मेहनत कर लेंगे, ठीक है ना, वहां मेहनत कर लेंगे। अब मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है, मेरी तरफ से ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है। हाँ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बाबू एक रिवीजन इसका जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, दिसंबर तक पेशेंस रख लो, कल करा देना। हाँ कल कराऊंगा मैं चैप्टर, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन कैसे ट्रिकली क्वेश्चन है, और मुझे पता है आपका दिमाग खराब हो रहा होगा इसमें कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब सीए इंस्टीट्यूट आपके ना पूरी जान निकालने पे तुला हुआ है ये क्वेश्चन पे। लेकिन हमें घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन तभी तक मुश्किल है, इसकी औकात तभी तक मुश्किल है जब तक आप इसको एक या दो बार, हाँ बहुत खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। बट बाबू मेरे को तो कराना है, क्योंकि एज अ टीचर मैं छुड़वा नहीं सकता। अगर मैं यही कहता हूँ अगर आ भी जाए ना तो इसको कट कर देना, इसको भी कट कर देना,
और इसको भी कट कर देना, आप वहां जाके दिमाग लगाओ आसान चीज पर, क्योंकि हमें पास होना है यार। एक बार बताओ, 100 में से अगर आपके 95 नंबर आ जाएंगे तो घर वाले बाहर निकाल देंगे क्या? मेरे को ये बताओ, नहीं निकालेंगे। तो इतनी क्यों इसने दिमाग खपाना कि नहीं सर एक ही क्वेश्चन मेरे को करना ही करना है, करना ही करना है। कभी कभी ना कहता समझदारी सी में होती है, भैया ठीक है हम नहीं ला रहे 100 नंबर, आप ले लो 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो तारीफ करेंगे, कौन तारीफ करेंगे, समझ नहीं पाया आपकी। तो बाबू यहाँ पर है बस, ये चैप्टर तभी तक आपको मुश्किल लग रहा है जब तक मैं आपको इसकी एक रिवीजन नहीं दे दूंगा। मैं रिवीजन दूंगा, मैं अपनी बुक फिर से रीड्राफ्ट कर रहा हूँ। रीड्राफ्ट का मतलब है कि आपके लिए और ज्यादा, मतलब जितना इजी बना सकता हूँ बना दूं। और वो बाबू अभी नहीं हो पाएगा, अभी दिसंबर वाले बच्चे भी हैं उनके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है, उनको एक बार हो जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मई वालों के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मैं पूरी ऐसी समरी बना दूंगा कि ये पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पर होगा, आपके मतलब फिंगर लिप्स पर होगा। बस मैं बोल रहा हूँ ना, आप टेंशन देने के लिए आए हो या लेने के लिए? तो आंसर आता है सर हम टेंशन देने के लिए आए हैं। तो फिर आप उसी में खुश रहो, जो टीचर कह रहा है उस पर भरोसा रखो ना यार। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका रिजल्ट सिर्फ आपके लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए भी मैटर करता है और आपसे ज्यादा करता है। आप तो एक बार फाउंडेशन होकर निकल जाओगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो बाकी बच्चे मेरे पास कैसे आएंगे? मेरा तो करियर ही आपके रिजल्ट पे टिका हुआ है, आप इस चीज को समझो। तो कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करूंगा आपके लिए जो नुकसानदायक होगा। मुझे पता है चैप्टर जल्दबाजी में हुआ है ये, और खिचड़ी पक गई है। जो मेरे बच्चे स्टार्टिंग से स्मूथली पढ़ रहे थे उनकी भी खिचड़ी पक गई। तो बेटा बिल्कुल खिचड़ी में पकने नहीं दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारी चीजें आसान करके आपको दूंगा। बस आपको एक रिव्यू कह रहा हूँ ना, एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। सर बहुत पंख गए खिचड़ी, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा बाबू क्या कहना चाहते हैं। अच्छा गए, बहुत अच्छा पक गए, चलो कोई बात नहीं, देर आए तंदुरुस्त आए, ठीक है। करंट पे अपना फोकस रखो, जितना समझ आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा तो बाबू दोबारा कराऊंगा, कोई उसमें दोहराई नहीं है, मैं दोबारा कराऊंगा, बैकअप हमारे पास होता ही है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा तो और भी ज्यादा वेरी गुड, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, नए क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन होंगे जो आगे पीछे आपने करे ना, कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको करके दूंगा सारे, ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट। उससे क्या होगा, आप देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और वहां पर एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे ना, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको तुरंत याद आ जाएगा यार इसका ये आंसर है, आपको दिमाग लगाने को। लेकिन वो बार बार देखने से होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी, बार बार देखने से होगा, ठीक है ना। जैसे कि बाबा रामदेव भी कहते हैं ना, करने से होता है, तो यहाँ यही बात है, करने से होता है बाबू, ठीक है ना। चलो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक, हालांकि इधर डाउट ही डाउट है, पूरा दिमाग खराब हो गया, डाउट ही डाउट है, दिमाग खराब हो गया। लेकिन एक दो बार करोगे ना अपने हाथ से, हाथ से करोगे तो अटकोगे डेफिनेटली, ये मेरा प्रॉमिस है, करोगे तो अटकोगे, और जब अटकोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा यार ये पॉइंट है, इसको मैं सॉल्व हो गया मेरा, ठीक है। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय।